कक्षा 10 गणित कैसे पढ़े और कक्षा 10 गणित को अच्छा करना क्यों जरूरी है, इसकी हम छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या इन फ्यूचर मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको वहां पर जाकर वापस बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं पड़े, वापस वो सीखना नहीं पड़े जो कि आपको 10th क्लास में सीखना चाहिए था, तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से रीजन बहुत बड़ा रीजन है। इस वजह से आपको 10th का क्लास का मैथमेटिक्स अच्छा करना चाहिए। अब जैसे आगे कहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, मैं एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल। आपको जैसे कहीं पे फैक्टर करने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं उसको। जितने भी क्षेत्रफल निकालने के इत्यादि के क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छा कर सकते हैं। बेसिक जो त्रिकोणमिति है वो आपके यदि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे SSC इत्यादि की, तो वहाँ पर ये आपकी चीज़ें काम आएगी। और इनको आपने यदि अभी अच्छा कर लिया है तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाएगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर आप इन चीज़ों को इतना डीपली नहीं समझ पाएं जितना आप अभी समझ सकते हैं। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ, 10th क्लास में मैंने जो त्रिकोणमिति को याद करने का फॉर्मूला याद किया था, लाल बट्टे कक्का करके ऐसा फॉर्मूला है, वो आज भी मुझे याद है। स्क्वायर रूट निकालना मैंने 10th क्लास में सीखा था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको है जो इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये तो रीज़न हो गया कि क्यों पढ़ना चाहिए, अब बात करते हैं कि कैसे पढ़े। तो यहाँ पर वही मैं आपको फर्स्ट थिंग कहूँगा कि आपको पहले अपना बेसिक कैलकुलेशन इम्प्रूव करना है, जैसे भाग को सही तरीके से करना, कैसा भी मुश्किल भाग आ जाए उसको आप ऐसे आसानी से सोल्व कर सकें जो कि आपके 10th लेवल तक आपको चाहिए। उसके बाद जैसे यहाँ पर आपकी फैक्टराइजेशन हो गए तो ये आपके 8th क्लास से शुरू हो जाते हैं, तो फिर छोटी क्लासों में जाके इनको सीखिए, लेकिन सीखना पड़ेगा। अब जैसे आपका यहाँ पे बेसिक थोड़ा मजबूत हो जाता है मैथमेटिक्स में, आपकी कैलकुलेशन में गलतियाँ कम होती है, तो आपका मैथमेटिक्स में रुचि बढ़ने लगता है। नहीं तो होता क्या है, कोई मल्टीप्लाई आ गया, अब मल्टीप्लाई में मेरी गलतियाँ हो रही है, तो अपने आप ही फिक्स है मेरा मैथमेटिक्स में रुचि धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी कार्य में यदि आप रुचि बनाना चाहते हैं तो उसका बेसिक मजबूत करो। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान का नींव अच्छे से मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन उसका नींव है। अब उसके बाद सेकंड बात आती है दोस्तों, प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस नहीं करते, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगने वाला सब्जेक्ट है, स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने आज तक मैथमेटिक्स को सीरियस नहीं लिया है और अब वे मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अपने जो सॉल्वर्ड एग्जाम्पल है उनको देख के सोल्व करो। आप बिना देखे नहीं सोल्व कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप बस देख के एग्जाम्पल सोल्व करो। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम आप रोजाना फिक्स करो, एक टाइम फिक्स करो जिस समय आप मैथमेटिक्स पढ़ो, रोजाना पढ़ो, अपने स्टार्टिंग के डे से ही पढ़ो। जैसे आज माना हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है, तो आज से ही आपको यह फिक्स कर देना है कि मुझे इस तरीके से, इस प्लानिंग से मैथमेटिक्स पढ़ना है। अब इससे होगा क्या, आपका दोस्तों सिलेबस समय पर कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता रहेगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। बल्कि यह बात 10th क्लास के लिए लागू नहीं होती है, यह हर एग्जाम के लिए लागू होती है। जिस एग्जाम को आप अच्छे नंबरों के साथ पास करना चाहते हैं उसकी तैयारी स्टार्टिंग के दिनों से ही अच्छी करनी चाहिए, ताकि समय रहते आप है जो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। अब तीसरी बात आती है दोस्तों, प्रैक्टिस आपने कर ली, अब इसकी जांच कहाँ से करेंगे, इसकी चेकिंग कहाँ से करेंगे कि आपकी कहीं कोई गलती तो नहीं रह रही है, आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, आपकी जो प्रैक्टिस है उसको कितना आप उसका आउटपुट ले पा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आते हैं आपके क्लास टेस्ट, यानी आपका एक भी क्लास टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। और यदि क्लास टेस्ट नहीं होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में हैं आप, गाँव की किसी, वहाँ पे क्लास टेस्ट होते ही नहीं है, तो करेंगे क्या,
बिल्कुल सिंपल है, मार्केट से डेस्क वर्क खरीद लो उसको प्रैक्टिस करो, या बिना देखे एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो, कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठा उसको सोल्व करो। ऐसे करके जो आप अपने चैप्टर के 10-20 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, हफ्ते वाइज या मंथली ऐसे होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों रिविजन। रिविजन करने का क्या तरीका है, पहले आप ट्राई करो कि बिना देखे कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उसके बाद देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई है। इस तरीके से दोस्तों यदि आप स्टेप बाय स्टेप आपने यदि एक बार पढ़ने की आदत डाल ली ना, तो फिर आपका ना तो 12th क्लास में दिक्कत आएगा ना ग्रेजुएशन में दिक्कत आएगा। दोस्तों आपकी बैक नहीं आएगी ग्रेजुएशन में यदि इस तरीके से अभी से आपने आदत डाल ली पढ़ने की, तो आपके लिए सब एग्जाम क्या होंगे, ऐसे मजाक में पास हो जाएंगे। दोस्तों कभी आपको मतलब ऐसे पढ़ाई को एज ए प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, एज ए इंजॉयमेंट आप पढ़ेंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। और दोस्तों जब किसी भी कार्य को करते हैं उसमें हमारा रिजल्ट अच्छा रहता है तो वहाँ पे हम अपने आप खुश रहते हैं उस कार्य को करके। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने 10th क्लास का मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। धन्यवाद।